एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो भर्ती परीक्षा में आप देख सकते हैं 350 में से 219 युवा अनुपस्थित रहे। क्या कारण है, कौन सी भर्ती है और किस लिए ऐसा हो रहा है उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है वो भी हम आपके साथ डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि बीते वर्ष स्थगित हुई सहकारी बैंकों की सुरक्षा कर्मियों की भर्ती दोबारा से शुरू हो गई है। स्टेडियम में पहले दिन 350 युवाओं को पहुंचना था लेकिन उनमें से केवल 131 युवा पहुंचे, जिसमें आप देख सकते हैं 219 युवा अनुपस्थित पाए गए स्टेडियम में बुधवार को फिजिकल। ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा कारण इसका ये वजह से हो सकता है क्योंकि ये भर्ती होनी थी मार्च में, जहां पर कैंडिडेट काफी मात्रा में फॉर्म भरे थे लेकिन पोस्टपोन हो गई, ये हो गया दिसंबर में। इसमें से काफी कैंडिडेट के पास तो अभी इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं है कि ये भर्ती रीओपन हो गई है, जिसकी वजह से ये जो है कारण आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका फायदा आप कह सकते हैं कि ये भी होगा कि मेरिट आपकी कम जाएगी और जो नंबर ऑफ जो कैंडिडेट कम होंगे तो ऑब्वियसली बात है मेरिट कम जाएगी और इससे आपको सफल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, आप क्या सोचते हैं कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। हो सकता है आपकी राय मुझसे भिन्न हो लेकिन कॉमेंट सेक्शन में देना जरूर। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जैसे कि आपको पता है कि सरकार ने लॉलीपॉप सभी को पकड़ा दिया है हर डिपार्टमेंट में, तो इसीलिए सहकारी बैंकों के लिए भी ये भर्ती ओपन कर दी गई थी। लेकिन 219 युवाओं के अनुपस्थित पाए गए जिला सहकारी बैंक से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो फिजिकल होना था वहाँ पर आपको पता है कि युवाओं को स्टेडियम में 100 मीटर की दौड़, उठक बैठक ये सब करना था, जिसमें 350 युवाओं को भर्ती में पहुंचना था। लेकिन भर्ती में प्रतिभाग करने से पहले युवाओं को आरटीपीसीआर रिपोर्ट ये सब लानी थी, 24 दिसंबर तक स्टेडियम में चलनी थी और 3.5 युवाओं को सूची की तैयारी की गई थी कि 3.5 कैंडिडेट जो 350 कैंडिडेट जो है इसमें प्रतिभाग लेंगे, लेकिन आए कितने उतने। और उसके अलावा यहाँ पर जो है उसके बाद युवाओं को मेरिट लिस्ट के हिसाब से उन्हें भर्ती में रखा जाएगा। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, 50 नंबर की है, उसमें क्या क्या था हमने उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना के रखा है, वीडियो में उसके बारे में डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन कहना मेरा यही है कि 350 अगर हुए हैं तो उसमें से 219 अगर कैंडिडेट अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उसका रीज़न क्या है। मेरे दिमाग में जो आया था और मुझे जो सूत्रों से बातें मिल रही थी उसको मैंने आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। आपका मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कोई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत, जय उत्तराखंड।